अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे, अपने अपने घरों में खुश और आबाद होंगे। तो इसी के साथ आज मैं बहुत ही ट्रेडिशनल रेसिपी लेके आई हूँ और बहुत ही सिंपल और क्विक रेसिपी है। तो मूली की भुजिया और उसी के साथ हम बनाएंगे पराठे। तो ये कितनी जल्दी से बन जाती है आइए हम आपको बताते हैं। तो ये हमने मूली ली थी 1 किलो 1 केजी, और देखिए ये अच्छे से हमने इसको ये पानी में डाल के उबाल लिया है कुकर में। 2-3 सीटियों में ये हो जाती है अच्छे से, और इसी में जाने वाली हैं ये। हम सिर्फ बिल्कुल ट्रेडिशनल तरीका अपनाएंगे जिस तरीके से हम बनाते हैं। ये हमने 10 से 12 लाल मिर्चें ली हैं सूखी, देखें आप, और ये लिए हमने लहसुन के जवे। लहसुन भी इसमें काफ़ी तादाद में जाता है, और ये लिया है नमक। तो इन्हें हमें सिल पर पीसना है, वो हम आपको दिखाते हैं, लेकिन फ़िलहाल फिर हम इसे साइड कर देते हैं और हम ये मूलियों को अपने निचोड़ लेते हैं हाथ से। किस तरीके से करते हैं हम दिखाते हैं आपको, बहुत आसानी से हो जाती है। खूब अच्छे टाइट से निचोड़ना है इसको, इसमें पानी बिल्कुल भी ना रहे, और बड़ी ही जायके की लगती है ये। इसकी भुजिया बनाएं या पराठे बनाएं, पराठों का तो क्या कहना, पराठे तो लाजवाब बनते हैं एकदम। ये देखिए इस तरीके से बिल्कुल हमें ये सारी निचोड़ लेनी है। तो देखिए हमने ये सारी निचोड़ ली अपनी, कितनी ड्राई हो चुकी है एकदम खुश्क। अब हम अपनी चटनी पीसते हैं सिल पर। ये सारी चीज़ें हम सिल पर डाल लेंगे और हल्के से पानी से डाल के थोड़ा थोड़ा इसको हम पीस लेते हैं। चटनी तैयार कर लेते हैं अपनी हम अच्छी सी। तो ये हमारी चटनी बिल्कुल तैयार हो चुकी है पिसकर, देखें। बस हमें इतनी ही दरदरी इसको रखनी है। अब हम इसमें अपनी सारी भुजी मिला लेंगे सिल पर ही, बटने से, जो इसका बटना होता है। इस तरीके से पीसना नहीं है, बस ऐसे ही कर करके मिला लें सारी सारी चटनी इस्तेमाल कर लें। और मिर्चें आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक लें, अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। वैसे भुजी में इसमें थोड़ी मिर्चें ज़्यादा ही अच्छी लगती हैं, फीकी सी बिल्कुल जायका नहीं देती है। और प्लीज़ जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर भी करें अपने फैमिली फ्रेंड्स में, और लाइक करें मेरी वीडियोज़ को। आप सभी से मेरी गुजारिश है, और मेरी सारी वीडियोज़ देखें, मेरे चैनल पर जाएं, आपको इंशाल्लाह मेरी वीडियोज़ पसंद आएंगी, सारी देखें। मैं बार बार यही कहती हूँ आप लोगों से। और देखिए बिल्कुल अच्छे से तैयार हो गई है। अब हम इसे उठा लेते हैं, इस पर से निकाल लेते हैं। तो ये हमने अपनी पूरी भुजिया निकाल ली है सिल पर से। अब हमने जो हमारे फ्राई पैन में तेल भी गर्म हो रहा है, तो ये देखिए हमने यहाँ पे भुजिया को छोंकने के लिए लहसुन लिया है, लहसुन से ही छुकती है, और थोड़ी ली है हींग। तो अब हम एक काम करते हैं, हम पराठों के लिए थोड़ी भुजिया आप आधी कर लेते हैं, क्योंकि पराठों में भुजिया बिना छुकी ही जाती है, क्योंकि अगर ऑयल के साथ हम बनाएंगे तो पराठे नहीं बनेंगे हमारे। तो हम इतनी ही निकालेंगे। तो ये हमारा फ्राई पैन में तेल गर्म हो चुका है, अब हम इसमें लहसुन डाल देते हैं, इसको ब्राउन कर लेते हैं अपने। तो देखिए अच्छे से ब्राउन हो चुका है हमारा लहसुन, और हम इसमें हींग डाल देंगे थोड़ी, और बड़ी अच्छी खुशबू आती है इसमें से। अब हम ये अपनी भुजिया डाल देंगे, और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो हमारी भुजिया बिल्कुल तैयार है, बस 2 से 3 मिनट तक तेल में इसे हमें पकाना है, अच्छे से भून लेना है, ताकि तेल जो है अच्छे से मिक्स हो जाए। और अपने आप इसमें नमक ज़रूर चेक कर लो, अगर कम रह गया तो भुजिया बिल्कुल टेस्टी नहीं लगेगी। और ये हमारी भुजिया बिल्कुल परफेक्टली तैयार है। अब हम साथ ही बनाते हैं पराठे। तो देखिए एक नॉर्मल आटा तैयार किया हमने रोटी का, जितनी बड़ी आप रोटी लेते हैं उतना बड़ा आटे का पेड़ा ले लें। हमने इसमें नमक भी डाला है अपने आटे में, और इसे इस तरीके से फैला के अब हम इसके अंदर इसकी फिलिंग कर लेंगे भुजिया की, काफ़ी अच्छी तादाद में डालेंगे और इसको अच्छे से बंद कर लेंगे। जी देखिए कितने अच्छे से बंद हो गया। अब इसी तरीके से हम इसको भी कर लेंगे साथ ही साथ।
फटाफट से, और बड़े ही टेस्टी लगते हैं ये हरे पत्तों के साथ भुजिया के बने हुए पराठे। अब हम इसे बेलते हैं, इसमें आटे में इस तरीके से कर ले, थोड़ा ऐसे बनाएं। हम आपको डायरेक्ट दिखा रहे हैं, हम कटिंग भी नहीं कर रहे, हम दो पराठे सेक के आपको दिखाते हैं। अब इन्हें आप हल्के हाथों से अच्छे से बेल लें। तो हमारा पराठा तैयार हो चुका है, अब हम इसे तवे पर डाल देते हैं बस, और एक तरफ से सिकने के बाद हम इस पर तेल लगाते हैं। इतने हम दूसरा पराठा तैयार कर लेते हैं अपना, जितने हमारा वो सिक रहा है तवे पर, इससे हमारा काम जल्दी हो जाएगा। तो देखिए एक तरफ से सिक चुका है हमारा पराठा, अब हम दूसरी साइड से इस पर कुकिंग ऑयल लगाएंगे। हम वैसे मूली के पराठों में मस्टर्ड ऑयल यूज़ करते हैं, आप चाहें तो कुकिंग ऑयल कोई सा भी यूज़ कर सकते हैं। वैसे घी से ज़्यादा मज़े के नहीं बनते पराठे इसे, क्योंकि मूली के पराठे इसमें मस्टर्ड ऑयल में ही ज़्यादा जायका आता है, हम सजेस्ट करेंगे आपको इस बात के लिए। और हल्की आंच पर बिल्कुल इनको सेके, लो फ्लेम पर एकदम एकदम क्रंची पराठे बनके हमारे तैयार होंगे। और पलट पलट के दोनों साइड से सेक लें इसको, इसी पर्पज से हम दोनों पराठे तैयार कर लेंगे अपने। तो देखिए व्यूअर्स फ्रेंड्स, हमारा पराठा बिल्कुल तैयार है और एकदम कितना क्रंची बनके तैयार हुआ है, हम इसे निकाल लेते हैं। और इसी उससे हम अपना दूसरा पराठा तैयार कर लेते हैं जल्दी। तो देखिए व्यूअर्स, हमारे पराठे बनके बिल्कुल तैयार हैं, एकदम क्रंची परफेक्ट, और इस पर बटर लगा के खाएं आप, और साथ ही हमारी भुजिया भी तैयार है। और ये तो रोटी के साथ बड़ी मज़े की लगती है, और देखें इसकी फीलिंग अंदर तलक, हमारी भुजिया इसमें शामिल है, अंदर तक फैल चुकी है देखें, और बड़े ही अच्छे लगते हैं। आप एक बार ज़रूर ट्राई करें, बनाएं खाएं, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और पसंद आती है वीडियो तो प्लीज़ लाइक करें। तो इसी के साथ मैं लेती हूँ इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।